वीडियो को भी कभी जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए और मैं आपके बहुत जल्दी इनफैक्ट दोस्तों इंडिया में सबसे पहले अनबॉक्सिंग लेके आने वाला हूँ इन सभी आईफोन्स की। तो आप ऐसे मतलब पूरा प्यार बनाए रखिए और आपके लिए बहुत कुछ शानदार भी होगा बहुत ही जल्दी। यहाँ दोस्तों हमसे बात करते हैं सभी आईफोन्स में, तो कुछ बातें यहाँ पे कॉमन है। कॉमन ये है कि सभी आईफोन्स में हमको 5G मिलता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सभी आईफोन्स जो है वो आते हैं एप्पल के A14 बायोनिक चिप के साथ में, जो कि मतलब बहुत ही कमाल का दोस्तों होने वाला है। प्रोसेसर 5 नैनोमीटर दोस्तों ये बेस्ड है, तो मतलब जो आपको परफॉर्मेंस मिलने वाली है ना वो मतलब एकदम क्रेजी कमाल है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे जो सभी आईफोन्स है वो आते हैं एक ओलेड स्क्रीन के साथ में, जो कि है एक सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले। अब यहाँ पे साइज और कुछ दोस्तों फीचर जो है वो चेंज किए गए हैं। जहाँ पे अगर आपसे बात करता हूँ सबसे पहले आईफोन 12 मिनी के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन है वो है 5.4 इंचेस का। और इनफैक्ट दोस्तों डायमेंशन में ये जो फोन है ये iPhone 8 और iPhone 7 दोस्तों हमने देखा है उससे भी छोटा है, लेकिन ये एक अपने साथ बड़ा डिस्प्ले लेके आता है। अब यहाँ पे दोस्तों है 12 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा सेटअप, जहाँ पे एक सिंपल वाइड और एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, साथ में जो सेल्फी कैमरा है वो भी है 12 मेगापिक्सल का, जो कि आता है ट्रू डेप्थ टेक्नोलॉजी के साथ में। अभी ऐसे में दोस्तों ये जो फोन है इसी का एक बड़ा वेरिएंट आप समझ लीजिए कि यहाँ पे है iPhone 12, जहाँ पे स्क्रीन हो जाता है 6.1 इंचेस का। कैमरा सेम है दोस्तों, अभी जो डिजाइन है वो बिल्कुल सेम है, जो कि एकदम एक बॉक्सी डिजाइन अभी रखा गया है। यहाँ पे दोस्तों जो बेल्ट मिलती है वो एल्यूमिनियम की है, और मतलब जो एकदम शार्प दोस्तों एजेस वाला आपको डिजाइन मिल रहा है वैसा ही मिल रहा है दोनों में ही, इनफैक्ट मतलब सभी फोन्स में। लेकिन जो मटेरियल्स है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे जो आईफोन 12 और आईफोन 12 मिनी है वो आते हैं एल्यूमिनियम के साथ में। जहाँ पे दोस्तों भी ऐसे मजे की बात कि एप्पल एक नए टाइप का दोस्तों प्रोटेक्शन जो है वो यूज कर रहा है डिस्प्ले के ऊपर, जहाँ पे दोस्तों बात हो रही है सिरेमिक प्रोटेक्शन की, और ये डेवलप किया है कॉर्निंग के साथ मिलने के बाद भी। तो मतलब ऐसे में जो आपको दोस्तों ड्रॉप्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है वो और बेहतर मिलती है इन्हीं आईफोन्स में। साथ दोस्तों यहाँ पे IP68 सर्टिफिकेशन है इनफैक्ट सभी आईफोन्स के साथ में। और दैट्स इट दोस्तों। इसके अलावा मतलब और चीजें इंप्रूव की गई हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों कैमरा में जो अभी नाइट मोड है उसको और इंप्रूव कर दिया गया है, और इसके अलावा जो इंजन दोस्तों इंप्रूवमेंट्स हैं वो हुए हैं कहीं कहीं, लेकिन जो मेन कहानी है वो यही है इन्हीं आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 की। फिर दोस्तों अगर बढ़ते हैं आगे, तो लाइनअप निकल के आता है आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स के साथ में, जहां पे जो 12 प्रो है उसका साइज है 6.1 इंचेस का, जो कि बिल्कुल आईफोन 12 की तरह है। और फिर दोस्तों यहाँ पे जो 12 प्रो मैक्स है वो आता है 6.7 इंचेस के डिस्प्ले के साथ में। अब यहाँ दोस्तों ये जो फोन है ये आते हैं बने हुए एक सर्जिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील फिनिश के साथ, और यहाँ पे दोस्तों कलर्स भी अलग अलग अवेलेबल है, जहाँ पे गोल्ड है, ग्रेफाइट है, साथ में दोस्तों यहाँ पे सिल्वर है, और एक नया बिल्कुल ब्रांड न्यू है पैसिफिक ब्लू। जो आईफोन 12 और 12 मिनी वाला लाइनअप है वहां पे दोस्तों 4-5 कलर्स अवेलेबल है, थोड़े से वो रंग बिरंगे स्टाइल में अवेलेबल है। और बाकी दोस्तों यहाँ पे जो प्रो वाला लाइनअप है ना ये अपने साथ में और कुछ इंप्रूवमेंट्स लेके आता है। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि जो कैमरास हैं वो दोस्तों बढ़ गए हैं यहाँ पे। इनफैक्ट हमको पीछे की तरफ मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, और इसी के अलावा एडिशनली एक लाइडार सिस्टम भी अवेलेबल है, जो कि लो लाइट में ऑटो फोकस दोस्तों बड़े आराम से काम करेगा, और आप जो है वो अपने आसपास का जो पूरा सिनेरियो है उसको आप स्कैन कर सकते हैं 3D में दोस्तों, अगर आप हाईटेक वगैरह हैं तो। और यहाँ पे दोस्तों ये आता है अगेन 12 मेगापिक्सल के सेटअप के साथ में, जहाँ पे 12 मेगापिक्सल का वाइड, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और दोस्तों 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा। अभी जो आईफोन 12 प्रो है दोस्तों उसके साथ में जो कैमरा है टेलीफोटो वो है 2x ऑप्टिकल जूम के साथ में, और जो प्रो मैक्स है वो लेके आता है 2.5x ऑप्टिकल जूम वाला ये टेलीफोटो कैमरा। दोस्तों यहाँ पे जो आईफोन 12 प्रो मैक्स है ना इसका जो मेन कैमरा है पीछे दोस्तों जो 12 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है वो आता है एक बड़े सेंसर साइज के साथ में, और यहाँ पे दोस्तों स्टेबलाइजेशन के लिए मैकेनिज्म है वो भी बिल्कुल अलग है बाकी सभी लाइनअप से। बाकी सब आपको OIS मिलता है स्टैंडर्ड वाला, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो आपको मिलता है सेंसर शिफ्ट वाला मैकेनिज्म तो वो और नेक्स्ट लेवल का है। फिर दोस्तों यहाँ पे जो ये प्रो वाले आईफोन्स हैं ये अपने साथ में लेके आते हैं एक नया फाइल फॉर्मेट, जो कि है एप्पल प्रो रॉ, जिसके चलते दोस्तों आपको जो है वो और बेहतर कंट्रोल मिलता है अपनी फोटोज वगैरह को, अगर आप बाद में एडिट वगैरह करना चाहते हैं डिटेल्स के हिसाब से। और साथ में दोस्तों यहाँ पे जो प्रो लाइनअप है वो अपने साथ में लेके आता है डॉल्बी विजन HDR 4K 60fps में वीडियो रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मतलब ये अगेन दोस्तों जो आईफोन्स के कैमरास थे वो वीडियोस के मामले में डेफिनेटली बहुत अच्छे थे अभी ऑलरेडी, और यहाँ पे दोस्तों जो प्रो लाइनअप है ये इसको एक कदम और ऊपर लेके चला जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे इस बार एप्पल ने जो नाइट मोड है वो सभी कैमराज में ऐड किया है, वो जो फ्रंट कैमरा है उसके अंदर भी है, जो पीछे दोस्तों अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है उसके अंदर भी है।
तो ये है खैर कंप्लीट कहानी यहाँ पे इसी पूरे आईफोन 12 लाइनअप की, मई से स्टार्ट होते हुए 12, फिर प्रो और फिर प्रो मैक्स। यहाँ पे भी एप्पल दोस्तों बॉक्स में जो है वो कोई भी चार्जर या कोई भी जो है वो आपको एयरपॉड्स नहीं देने वाला है, आपको मिलेगा बॉक्स में सिर्फ आईफोन और एक यूएसबी टू लाइटनिंग केबल, आपको बाकी आइटम अलग से परचेज करने पड़ेंगे एक्सेसरीज। और यहाँ पे दोस्तों एक और चीज जो सभी आईफोन्स के साथ में नई एप्पल ने इंक्लूड की है वो है मैग सेफ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे दोस्तों मैग सेफ जो है वो बेसिकली एक मैग्नेटिक तरीके से वायरलेस चार्जिंग का दोस्तों आप एक कॉम्बिनेशन समझ लो कि पीछे की तरफ दोस्तों जो आपका वायरलेस चार्जर होगा जो दोस्तों मैग सेफ वाला अडेप्टर होगा वो चिपक जाएगा फोन के अपने आप लाइन होने के बाद में। ऐसे में ये 15 वॉट्स पावर दोस्तों फोन को चार्ज कर सकता है जो कि वायरलेस चार्जिंग के हिसाब से दोस्तों काफी तेज होगा। और यहाँ पे अलग अलग एक्सेसरीज भी एप्पल लेके आ रहा है, मतलब क्योंकि बिकॉज पीछे दोस्तों मैग्नेट्स हो गए हैं तो आप अलग अलग एक्सेसरीज को भी यूज कर सकते हैं इन सभी आईफोन्स के साथ में, ऑल्दो ये भी आपको अलग से ही लेना होगा। और फ्यूचर में जो हम बात कर रहे हैं पोर्टलेस आईफोन जहाँ पे कोई पोर्ट्स ना हो तो वहां पे क्या पता ये जो मैग सेफ वाला सिस्टम है इसको एप्पल यूज कर ले। दोस्तों यहाँ पे अगर बात मैं करता हूँ इंडिया में प्राइसिंग को लेकर इन सभी आईफोन्स की, ऐसे में जो आईफोन 12 मिनी और 12 लाइनअप है उसमें तीन अलग अलग वेरियंट्स हैं जो कि हैं 64, 128 और 256। जो आईफोन 12 मिनी है उसकी शुरुआती कीमत है यहाँ पे 69,900, फिर है 74,900 और फिर है 84,900 रुपीज। जो आईफोन 12 है दोस्तों उसकी शुरुआती कीमत है 79,900, फिर है 84,900 और फिर है आगे बढ़ते हुए 94,900 रुपीज। और जो 12 प्रो और प्रो मैक्स लाइनअप है ऐसे में तो शुरुआती कीमत है आईफोन 12 प्रो की वो है 1,19,900, फिर 129,900 और फिर 149,900। और यहाँ पे दोस्तों 12 प्रो मैक्स उसकी शुरुआती कीमत है 129,900, फिर 139,900 और जो सबसे बड़ा वाला वेरियंट दोस्तों है 512 GB का वो अपने साथ में लेके आता है कीमत को 1,59,900 रुपए। दोस्तों यार ये है सभी बातें जहाँ पे कुछ चीजें जो हम स्पेकुलेट करें दोस्तों वो हमको नहीं मिली, जैसे कि एक प्रोमोशन डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का वो नहीं मिला। रिपोर्ट्स के हिसाब से दोस्तों एप्पल को चूज करना था 5G और एक 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के बीच में, बिकॉज दोनों ही जो है वो पावर कंज्यूम कर रहे हैं थोड़ी ज्यादा स्केल पे, तो ऐसे में एप्पल ने फिलहाल के लिए 5G को चूज किया है और अगली बार शायद दोस्तों हमको डिस्प्ले मिलेगा। लेकिन उसके अलावा मोरलेस जो हमने दोस्तों लीक देखे थे बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला है कंप्लीट सिस्टम ही नए आईफोन्स का। अभी एग्जैक्टली हम देखते हैं कि जब हमारे पास दोस्तों आते हैं तो कैमरास को कितना एप्पल ने इम्प्रूव किया जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छे थे वो आगे, और कितना एप्पल ने उनको बेहतर बनाया है। इसके अलावा जो A14 बायोनिक चिप है उसकी प्रोसेसर पावर जो है दोस्तों उसके पास में वो और कितनी बेहतर हो जाती है, और बाकी क्या दोस्तों छोटे छोटे ट्वीक्स आप वीडियो जैसे लाइक और शेयर कर ही दीजिए दोस्तों। बस फिलहाल इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।